हेलो फ्रेंड, नर्सिंग एकेडमी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैपट सक्सीडेनम और सेपल हेमेटोमा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कैपट सक्सीडेनम में होता क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्लूड, फ्लूड का कलेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से स्कैल्प में स्वेलिंग दिखाई देती है, और ये जो स्वेलिंग है ये जन्म के टाइम से ही प्रेजेंट रहती है, और इसमें फ्लूड जो है सूचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, फ्लूड जो है वो सूचर लाइन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये जो है ऑटोमेटिक ही सबसाइड हो जाता है एक वीक के अंदर, ओके। और स्वेलिंग क्यों दिखाई देगी इसमें? क्योंकि फ्लूड का कलेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से स्वेलिंग दिखाई देती है इसमें, ठीक है दोस्तों। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ लिम्फेटिक चैनल एंड वीनस ड्रेनेज। लिम्फेटिक चैनल और वीनस ड्रेनेज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग दिखाई देगी। जब लिम्फेटिक चैनल और वीनस ड्रेनेज होगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा और स्वेलिंग होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन सेपल हेमेटोमा। इसमें क्या होता है? इसमें स्वेलिंग दिखाई देती है ब्लड कलेक्शन की वजह से। इसमें नाम से ही पता चल रहा है, सेपल हेमेटोमा। सेपल मीन्स ब्रेन, हेमेटोमा मीन्स ब्लड। तो इसमें क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से स्वेलिंग दिखाई देती है। और ये जो है ये जन्म के बाद से दिखाई देती है, ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। आप डायग्राम में जैसे कि देख सकते हो, ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये भी ये 6 वीक के अंदर सबसाइड होता है। कैपट सक्सीडेनम 1 वीक के अंदर सबसाइड हो रहा था, उसमें भी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, और इसमें भी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो है 6 वीक में सेपल हेमेटोमा जो है ये 6 वीक में सबसाइड हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड का कलेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो स्मॉल कैपिलरी होती है फीटल हेड की, वो रप्चर हो जाती है। ये रप्चर क्यों होती है? क्योंकि जो पेल्विस होता है उसके साथ में फीटल हेड का फ्रिक्शन होता है। मदर का जो पेल्विस होता है उसके साथ में फीटल हेड का फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से स्मॉल कैपिलरी जो होती है वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से सॉरी दोस्तों ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो, ये फ्लूड का कलेक्शन है ऊपर वाले डायग्राम में, जिसमें सूचर लाइन क्रॉस कर रहा है, और ये जो है इधर ब्लड का कलेक्शन हो रहा है। सेपल हेमेटोमा में ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, ये जो है ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें, ठीक है दोस्तों।